एक्चुअली मेरा जो बहन का हस्बैंड है ना वासुदेव चक्रवर्ती और इनका काका है, वो उनका असिस्टेंट था, इसलिए उनको साथ हम लोग का बहुत फैमिली रिलेशन हो गया था वासु चक्रवर्ती की वजह से। वासु चक्रवर्ती उनके वजह से तो उन्होंने आता था हमारा घर में, क्यों हमारा घर में हमारा सास ससुर था और वासुदा का घर में खाली उनका बेबी था, इसलिए हमारा घर में ही मोस्टली आता था। अच्छा। और आके जेठी माँ दीदी माँ को रखे जाता था, दो चार घंटा बात करता था, फिर उनको आके लेके जाता था। जेठी माँ अपनी माँ को रख जाती थी। हाँ, जेठी माँ अपने माँ को रख जाती थी। और जब भी पोप आया था तो भी जेठाई माँ जेठामशाई और दीदी माँ हमारा घर का बारांडा से पोप जाते हुए दिखा था। अच्छा, बारांडा से पोप जाते हुए देखा। आपका घर का बिल्डिंग का नाम क्या था? फेयरफील्ड। तो भी एयरपोर्ट में जाने का एक ही रास्ता था, वो सबवे था। सबवे, खार सबवे। खार सबवे। वो सबवे का ठीक सामने में ही हमारा घर था। सबवे के सामने में एसपी रोड में घर था आपका। फेयरफील्ड। अभी वो बिल्डिंग है क्या? फेयरफील्ड अभी भी है। फेयरफील्ड बिल्डिंग है। अच्छा। और दादा बर्मन गुजर गए तो उसके बाद में जेठी माँ आपके घर में आती थी? दादा बर्मन भी गुजर गया तो तभी भी जेठी माँ हमारा घर में आता था। ज़्यादा करके जेठी माँ का जब पंचमदा राय जाने वो बिल्डिंग ले लिया ना, जेट बंगलो, जेट बिल्डिंग ले लिया ना, तो भी जब पंचमदा का मार्बल आर्च में आया था तो भी जेठी माँ बहुत लोनली हो गया था और बहुत दिमाग थोड़ा पहले जैसा नहीं था दादा के लॉस की वजह से। हाँ, दादा के लॉस की वजह से। तो भी क्या करता था पंचमदा, शाम को हमारा घर में गाड़ी करके छोड़ के जाता था और सीटिंग वीटिंग कंप्लीट करके फिर आके खुद लेके जाता था। अच्छा, सुबह छोड़ के जाएगा रोज? और सुबह सुबह नहीं, शाम को, शाम को सीटिंग, शाम को सीटिंग शुरू होने से पहले जेठी माँ को हमारा घर में छोड़ के जाता था और फिर रात को ले जाएगा। रात को भी होता था कभी कभी, शाम 7-8 बजे हो जाता। अच्छा, दो तीन घंटा, चार घंटा, दो घंटे चार घंटा बाद। और मेरे को बहुत प्यार करता था, मेरे को हमेशा बोलता था टिपू 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 करके हमको एकदम पकड़ के रखता था। का टिपू बोलते थे। हाँ, हाथ पकड़ के रखता था, हाथ पकड़ के रखता था। और हमारा इधर कुछ हम बनाता था तो उनको खाने को भी बहुत पसंद होता। अच्छा, आप लोग का खाना वगैरह। हाँ। अच्छा। और माँ हमारा सास जब पूजा करता था तो भी पूजा का सामने में एक बेड था हमारा सास का, उधर जाके बैठा रहता था, नहीं तो सोया रहता था। तो ये फेयरफील्ड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं आप? नहीं, संदीप बिल्डिंग का बात कर रहे हैं। बाद में संदीप में आई। हाँ, अभी संदीप बिल्डिंग का। अच्छा अच्छा, तब संदीप में, ये जो अंदर है बिल्डिंग। हाँ। तृप्ति जी, आप जरा दादा बर्मन का और पंचम का बाप बेटे का सत्कार बताइए हम लोग को। पंचम दा को जटामशाई ने बहुत प्यार करता था, उन्होंने हाथ पकड़ के उनको सब कुछ सिखाया, उनको बचपन में बहुत कोशिश किया है बड़ा बनाने के लिए, पर उन्होंने ज़्यादा करके जेठी माँ नहीं, जटामशाई से ज़्यादा प्यार था और दीदी माँ से ज़्यादा प्यार था, इसीलिए जटामशाई उसको कोशिश करता था हर टाइम उनको पास आने का लिए। जब हम तो बचपन मालूम नहीं है, हम देखा जब शादी के बाद से, तो भी शादी के बाद से उनका घर में को हमेशा आके मिलता था। ये लाइन दोनों ही म्यूजिक डायरेक्टर हो गया था, इसलिए एक ही साथ में रहना मुश्किल हो गया था। बट पंचमदा को बहुत प्यार करता था और ये पंचमदा उनको इसीलिए पंचमदा जब भी बोला चलो हमारा साथ चलो, उन्होंने चलाया था जब बीमारी में थी, जब बीमारी में थी। अच्छा। पंचमदा को बहुत प्यार करता। अच्छा। था, बट जेठी माँ को भी इतना ही प्यार करता था, इसलिए पंचमदा का पास पूरा लाइफ ये लास्ट लाइफ नहीं रह सका। अच्छा, वो लास्ट लाइफ मतलब जब बीमार थे तभी पूरा टाइम नहीं रह सका, क्योंकि जेठी माँ को भी बहुत प्यार करते थे। अच्छा। और जब भी हार्ट अटैक आया था, हॉस्पिटल में भी गया था, तो भी पंचम 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 हर टाइम एवरी डे अस्पताल में पंचम पंचम बोलते थे। एवरी डे पंचमदा को जाना पड़ता था, एवरी डे मिलना पड़ता था। अच्छा अच्छा, पंचम की शादी में आप थे? हाँ, शादी में हम थे। कब की बात है ये? 1966 में शादी हुआ। नहीं, हाँ 66 में शादी हुआ।
रीता के साथ, टॉप, हाँ रीता के साथ, रीता के साथ, और टॉप क्लब में उन लोग का पार्टी हुआ था। अच्छा, बहुत लोग आया था, कौन आया था वो मुझे मालूम नहीं, क्यों मैं भी तब नया था, बम्बई में एक साल पहले ही आया। अच्छा, तो इतना कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, टर्फ क्लब में शादी हुआ था 66 में। तो बाद में ये लोग इसमें सूर मंदिर बंगलों में आए। जाटी माँ ने पहले शादी का पहले ही सूर मंदिर ठीक करके रखा था। अच्छा, और शादी होके जेट में नहीं गया, सीधा सूर मंदिर में गया। अच्छा, तो पंचम को मालूम होगा सूर मंदिर जाएगा रहने के लिए वो। हाँ, पंचम तक मालूम था, रीता को मालूम होगा। अच्छा अच्छा, ये बताइए दादा बर्मन और मीरा देवी का प्यार के बारे में बताइए, क्या आपने देखा? मैंने बहुत कुछ देखा है, एक कभी कुछ होता था तो साथ साथ में दोनों में सब जगह में, कभी दादा अकेला नहीं जाता था, हमेशा जेठी माँ को साथ जाता था, जेठमोशाई को लेके हमारा घर में भी आता था, हमारा शोशुर था तो भी मैंने नया नया शादी होके आया तो भी देखा है, उन्होंने लेके आता था, आके दोनों बात करता था, करके बोलते तो चलो करता, अभी जाता है घर में बोल के लिए हाथ पाकर के दोनों लेके जाता था। फिर और देखा है किधर भी जाता था मंदिर में, क्या किसी से मिलने को पहले जटाई माँ गाड़ी से उतारती के उसको घर में जाता था, बाबा मंदिर में जो मेन है उनको पास जाता था, जाके बोलता था कत्ता आया मिलने के लिए, तो वो लोग तब भाग के जाके जटा मशाई को लेके आता था। ये छोड़ के भी जटा मशाई को जो भी रिकॉर्डिंग होता था तो भी अच्छा से उनको अलग टाइप का खाना भेजता था, उसमें कभी कभी दूसरे को बुला के भी जटा मशाई देता था, इसलिए ये तुम्हारा जटाई माने भेजा है थोड़ा खा के देखो। अच्छा, शेयर भी करते थे। शेयर भी करते थे और उनको लिए डिफरेंट टाइप का पान भी बना के भेजते थे। अच्छा, और ये छोड़ के उनको खाना पीना बहुत बहुत केयरफुली उन्होंने सब संभाला। और ये छोड़ के 3 महीना वो पंचमदा बीमार होने के बाद 3 महीना पंचमदा लेके आया था। हाँ जी। तो भी जटा मशाई हमेशा बोलता था अरे पंचम तूने लेके आया पर हमको मीरा से मिलेगा क्या, मीरा से कभी मिलो क्या, कभी मिलो क्या, इतना वो लोग को दोनों का प्यार था। और अच्छा, फिर वो वापस कैसे गए, दादा ने बोला? दादा ने बोला नहीं हमको इधर अच्छा नहीं लगता है, हम मीरा के पास जाना चाहता है। तो पंचमदा बोला ठीक है तुम जब जाना चाहता है तब चलो तुमको मेरे पास लेके जाता है। तभी उन्होंने फिर जेट बिल्डिंग में जेठी माँ के पास चला गया। और इन 3-4 महीने में जो थे वो कौन सी बिल्डिंग में थे, ये जो ओडिना में थे? ओडिना में थे। हाँ। अच्छा, तो उन 3-4 महीने में मीरा जी वहाँ पे मिलने आई दादा को कि नहीं? नहीं नहीं, एक दफे भी मिलने को नहीं आई, पर मीरा जी से ज्यादा प्यार दादा ने मीरा जी के करता था। अच्छा, मीरा जी से दादा ज्यादा प्यार मीरा से करता था, मीरा जी से, मीरा जी का प्यार से दादा का प्यार ज्यादा था, ज्यादा था। अच्छा अच्छा, कैसे आप कह सकते हैं? बिकॉज मीरा जी 3 महीना देखिए ना, 3 महीना जब जेठा मशाई इधर रहा तो भी इतना प्यार थोड़ा बहुत ज़्यादा होता था तो उन्होंने रह नहीं सकता था, भाग के जरूर आता था, पर जेठा मशाई नहीं जब बोला जे नहीं नहीं हम मीरा से इधर रह नहीं सकते बोल के जेठा मशाई ने आपस चला गया। तृप्ति जी, दादा बाबा जब छुट्टी में जाते थे तो वहाँ पे जाके उनका कुछ गाने बने लिखने का या गाने का शौक था वो ज़रा बताइए हम लोग को। जेठा मशाई जब बाहर जाते थे उनको नेचर का ऊपर बहुत शौक था। हाँ, नेचर बहुत पसंद करता था, इसलिए बिकॉज उन्होंने बांग्लादेश का था, बांग्लादेश बहुत नदी झरना और बहुत कुछ नेचर बहुत है, और फोक सॉन्ग भी, हाँ फोक सॉन्ग भी उनको बहुत पसंद था, हर जगह का फोक उन्होंने ट्राई किया है, हाँ बनाया है, बनाया भी है खुद गाया भी है बराबर, तो इसलिए कभी कभी नदी में बोट में भी जाके गाना बनाता था, कभी गंगा का पास बैठ के भी देखता था, गंगा में भी कभी बोटिंग करता था,
ये छोड़ के भी हर जगह में आसाम में भी उन्होंने बहुत जाके हर बैठ के गाना बनाया। ऐसा उनको नेचर का बस जाके उनको नेचर का लेके जो खाली बोर्ड में नहीं हर जगह में जंगल में खुला मैदान में उनको नेचर बहुत पसंद था। अच्छा, और जो अपने घर बनाया था वो घर भी कहाँ था? घर कोलकाता में जो था घर था वो लेक का पास, हर सीढ़ी में हर पंचमदा का एक फोटो था, बचपन का फोटो, और बहुत मार्बल दे के सीढ़ी था और बहुत बहुत सुंदर घर था, बहुत अच्छा। सुंदर बंगलो था। आपने देखा है वो? हाँ, हमने देखा है। अच्छा, तो नहीं ये जो बोलते हैं हर सीढ़ी में था, मतलब हर एक स्टेप में था कि? हर एक स्टेप में था, हर एक स्टेप में पंचम का फोटो था। हाँ, फोटो था। वाह, अच्छा। आपने किस साल में देखा होगा ये? 66 में देखा है। 66 में? हाँ। मतलब घर उसके पहले थोड़ा पहले बनाया होगा? बहुत पहले बनाया था। अच्छा, पंचमदा जब भी पैदा हुआ क्या पैदा नहीं हुआ तभी बनाया था। अच्छा। और उधर खाली जेठी माँ का माँ रहता था तभी, जब ये आए बॉम्बे में। हाँ, हाँ, जब ये लोग बॉम्बे में जेट बिल्डिंग में रहता था। अच्छा, तृप्ति जी, मीरा जी जो है दादा को सपोर्ट कौन सा करती थी? एवरीथिंग सपोर्ट करता था। कोई प्रोड्यूसर आता था तो उनको कैसा हैंडल करने का है, पर इनकम टैक्स कैसा हैंडल करने का है, रिलेशन कैसा मेंटेन करने का है, मतलब कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा, किसको काट करने का है किसको रखने का है, एवरीथिंग टॉप टू बॉटम। इनकम टैक्स का भी वही तो बोला ना, इनकम टैक्स से शुरू करके मतलब बाजार तलब सब जेठी माँ का हाथ में था, पैसा भी जेठी माँ का हाथ में था, एवरीथिंग मैनेज बाई जेठी माँ। अच्छा, कोई प्रोड्यूसर आएगा पिक्चर का लेने का नहीं लेने का उसका दादा का डिसीजन था कि नहीं? वो भी जेठी माँ का डिसीजन था। जेठी माँ का डिसीजन था? अच्छा, वो फैसला करेगी पिक्चर लेना है कि नहीं लेना है? नहीं, पहले तो जेठा मौसी देखेगा फिर सुनेगा, फिर जेठी माँ हाँ बोलेगा तो तभी जेठा मौसी हाँ बोलेगा। अच्छा, स्टोरी सुनेगा इस कोई कोई प्रोड्यूसर था जो जेठी माँ और जेठा मौसी का साथ, वो लोग कभी जैसा घर का रिश्ता का मापिक था, जैसे देवानंद चक्रवर्ती, प्रमोद चक्रवर्ती, देवानंद का कंपनी का नाम क्या है? नवकेतन। हाँ, नवकेतन। उनका घर का रिश्ता तो उनको ना नहीं बोलेंगे। हाँ, ना नहीं बोलेंगे। लेकिन ना बोलना किसी होगा तो जैसा जेठी माँ बोलेगी, जैसा मसाई दादा बर्मन नहीं बोलेगी? जेठी माँ बोल देगा जेठी मसाई को, इसको ना बोल दो, पहले बोल देगा। अच्छा, इसको ना बोल देने का? क्यों, पैसे की वजह से? पैसा तो बहुत नहीं कभी मांगता था दादा बर्मन, कभी मांगते नहीं थे पैसा? नहीं, बहुत मांगता नहीं, डरता था बहुत पैसा बोलने से, डरता था। अच्छा, क्यों? क्या मालूम। अच्छा, डरता मतलब ज्यादा पैसा नहीं देने का? नहीं, ज्यादा पैसा बोलने से उनको डर रहता था। अच्छा, तृप्ति जी, ये लोग जब पहले आए थे दादा बर्मन और मीरा जी पहले आए थे तो पंचम तो कलकत्ता में होंगे मेरे ख्याल। हाँ। वो नानी के पास थे। हाँ। तो इन लोग कहाँ रहे थे और उनको क्या क्या कुछ तकलीफ आया होगा नए घर में, बताइए जरा प्लीज। पहले तो सायन में रहते थे, वो सायन के बारे में हमको इतना कुछ भी मालूम नहीं है, जस्ट सुना सायन में रहते। हाँ। उसके बाद गोरेगांव में जब रहते थे तो भी थोड़ा बहुत मालूम है कि उन्हें तो भी वो दीदी माँ है ना जो जेठी माँ का माँ, उन्होंने आके हमारा सास ससुर के साथ बैठ बैठ के गप करता था तो उसमें से हम सुना जो उन्होंने बहुत तकलीफ उठाया, मतलब मीरा जी को इतना घर में पानी भी नहीं था, नल भी नहीं था, बाहर से पानी लेके आके उनको काम करना पड़ता था, और इतना तब ये था पैसा भी इतना कम था जी, उनको मतलब बाई रखने को भी ताकत नहीं था। अच्छा, इतना अकेला हाथ में मीरा जी ने सब काम किया है संसार को, दादाजी को। तो ये कौन से घर की बात कर रहे हैं? ये गोरेगांव में फिल्म स्टूडियो है। हाँ, बाकी तो उधर का मालूम नहीं है मुझे, ये तो हम जेठी माँ का माँ का पास से सुना और यही बात आपको फिल्म स्टूडियो की बात कर रहे हैं। फिल्म स्टूडियो में जब
जेठा मशाई काम करता था हाँ। तो भी वो लोग एक भाड़ा का घर में रहता था, छोटा घर में, उधर घर का अंदर पानी भी नहीं था, बाहर से बाहर का नल से पानी लेके आके उनको काम करना पड़ता अच्छा। और इतना पैसा भी नहीं था जो एक दूसरा आदमी को पाले, भाई रखे व कुछ नौकर रखे। शुक्रिया।